हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, बात होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चैनल को किसी सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। पाकिस्तान रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कोमल, ये है हाशिम। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो PNMM पे यार हमने किया था तारिक फतेह लेटेस्ट वाला इंटरव्यू, लेकिन उससे पहले वाला इंटरव्यू किसी ने नहीं किया, उस पे हम रिएक्शन कर लेते हैं। तो देख लेते हैं क्या निकलता नतीजा, सारा नतीजा। लेट्स स्टार्ट। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे ऐसी शख्सियत को जो पाकिस्तानी है लेकिन पाकिस्तान के लोग उनसे सबसे ज्यादा नाराज रहते हैं। एक ऐसी शख्सियत जो मुसलमान है लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु उनकी जान के पीछे पड़ रहते हैं। वो कनाडा में रहते हैं लेकिन हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर है। अपने बयानों से, अपने कारनामों से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। प्लीज वेलकम राइटर एंड थिंकर, लेखक और विचारक तारिक फतेह। तारिक, इनका जो लेटेस्ट इंटरव्यू है वो हमने PNMM पे किया, ये पुराने जो हम अपने चैनल पे कर रहे हैं। आपकी अदालत में आज के इस खास शो के लिए हमारे आज के जज भी खास हैं, जाने माने शायर मुनव्वर राना। जाने माने शायर, और आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, इससे पहले आज के जज मुनव्वर राना की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। हाय हाय हाय, बढ़िया। और इससे पहले कि मैं इल्ज़ाम लगाऊं, सफाई मांगूं तारिक फतेह साहब से, एक नज़र डालेंगे तारिक फतेह के जर्नलिस्टिक और पॉलिटिकल करियर। ऑथर और थिंकर तारिक फतेह के अपने शब्दों में, तारिक फतेह एक इंडियन हैं जो पाकिस्तान में पैदा हुए। एक पंजाबी हैं जिसने इस्लाम में जन्म लिया। कनाडा में एक इमिग्रेंट हैं जो मुस्लिम समाज को जगाने का काम करते हैं। तारिक फतेह कहते हैं कि वो एक मुस्लिम हैं जिसके पुरखे हिंदू थे। तारिक फतेह पाकिस्तान के क्रिटिक हैं, उनकी स्पीचेस पर पाकिस्तान में पाबंदी है। 1960 और 1970 के दशकों में तारिक फतेह को पाकिस्तान में जेल जाना पड़ा था। 1977 में तारिक फतेह पर पाकिस्तान में देशद्रोह का चार्ज लगा था। 10 साल सऊदी अरब में रहने के बाद तारिक फतेह कनाडा में बस गए। कनाडा में तारिक फतेह कॉलम और किताबें लिखते हैं, एक टॉक शो करते हैं, अपने बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। भारत में तारिक फतेह काफी पॉपुलर हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े आलोचक हैं। आपकी अदालत में तारिक फतेह अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है, आपकी अदालत में पहला इल्जाम तारिक फतेह। आपकी अदालत में राइटर और कमेंटेटर तारिक फतेह पर इल्जाम है कि पाकिस्तान की नजर में ये इंडिया के एजेंट हैं। अब तारिक साहब, आप पाकिस्तान में पैदा हुए, वहां की मिट्टी में खेले, वहां पढ़े, बड़े हुए, लेकिन हर बात पे, और ये इल्जाम मेरा नहीं है, पाकिस्तान के लोगों का है, हर बात पे आप पाकिस्तान के बारे में कुछ कमेंट करते हैं। अब देखिए, रिसेंटली इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, पूरा पाकिस्तान शॉक्ड है, लेकिन आप ताली बजा रहे हैं, आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा किया। मैं आपको करेक्ट कर लूं,
कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, हिंदुस्तान ने उस सरजमीन पे हमला किया जिस पे पाकिस्तान ने ऑक्यूपेशन की हुई है। हिंदुस्तान का इलाका गिलगित बल्तिस्तान का। तो एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ था जिसकी वजह से पाकिस्तान, हिंदुस्तान की फौज उस इलाके में जाती है जो वो अपनी शराफत में अब से 70 साल तक चुप करके बैठे हुए हैं कि कारगिल में जब वो उस लाइन को पार करके पाकिस्तान का सत्यानाश कर सकते थे, उस वक्त भी हिंदुस्तान की जो तहजीब है उसने हिंदुस्तान की फ़ौज को एक प्रोफेशनल आर्मी के तहत कहा कि सबक सिखा दिया गया, अब रुक जाओ अब। लेकिन ये सुधर नहीं सकते पाकिस्तानी, वो इसलिए कि पाकिस्तान है ही हिंदुस्तान। दरियाए सिंध पाकिस्तान में बहता, गंगा में नहीं बहता। अच्छा। अगर बरतानिया और बरतानिया के एजेंट सुअर के गोश्त खाने वाले मोहम्मद अली जिना शराबी, जो अपनी दोस्त की बेटी 16 साली बेटी को लेके भाग गया, उसे अगर कुछ लोग कायद आज़म कहते हैं, इसमें मेरा कसूर नहीं है। आपने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि उसके सूट अच्छे थे, हम क्यों बर्दाश्त करें? हम तो नहीं पैदा हुआ, हमारी तो मजबूरी थी कि हमें हमारे वालिद और दादा और परदादा और परनाना जो 5000 साल से हम हिंदुस्तानी हैं, आपने बॉर्डर की लाइन खींच दी और कह दिया कि अब तुम पाकिस्तानी हो। पाकिस्तान किस चीज़ का, पाक क्या चीज़ है? अफगानिस्तान होता है अफगान के मुल्कों का, कजाकिस्तान है कजाक के मुल्कों का, बांग्लादेश है बंगालियों का, पाकिस्तान क्या है? नापाक लोगों की जगह है। मैं कहता हूँ आप इसीलिए आपकी बातों से पाकिस्तान के लोग खफा होते हैं। अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं। देखें, जो जो मुल्क झूठ पे बना और नफरतों पे उसकी बुनियाद रखी, और वो नफरत ये थी कि सबसे पहले हिंदुस्तान का जो इस्लाम था, जिसे मैं वैदिक इस्लाम कहता हूँ, जिसमें अमन और शांति और हिंदू के साथ भाई बंदी का था, उसको तोड़ने वाले अवध के वो नवाब और यूपी और बिहार के वो नवाब जिनकी डंडी उड़ने वाली थी जमहूरियत के चक्कर में, उनको पाकिस्तान बनाना था तो नेपाल के कहीं सरहदों पे बना लेते। ये जो आपने जाके बनाया, जहाँ कांग्रेस की हुकूमत थी बादशाह खान की, जहाँ पंजाब में मुस्लिम लीग हारी, जहाँ सिंध के अंदर चीफ मिनिस्टर को जहर दे के मार दिया अल्लाह बख्श उमरों को, जो बलोचिस्तान आज़ाद मुल्क था उस पर पाकिस्तान फ़ौज ने कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान तो इज़ एन एक्रोनिम, पाकिस्तान मुल्क तो नहीं है, पाकिस्तान तो एक ज़हनियत है। वरना मुझे बताइए तारीख में कौन लोग कहलाते हैं पाक? या तो हम सब पाक हैं या सब नापाक हैं। पाकिस्तान मुल्क नहीं है सर, पाकिस्तान आपके साथ एक लतीफ़ा हुआ है, पाकिस्तान से दरियाए सिंध आपसे छिना है, और सिंध के बगैर हिंद हो कैसे सकता है सर? अच्छा है, जो सारी बातें पाकिस्तान के खिलाफ कह रहे हैं ना, अगर ये पाकिस्तान में इनको जेल ना होती या पाकिस्तान में ये देशद्रोही ना कहलाते, तो मुझे लगता है ये बातें ना कहते, अभी उससे लिखवा लें, कह देते हैं, लेकिन ये जिस तरह की बातें किया ये ना कहते। लाइक क्रिटिसिज्म करना इज़ अनदर थिंग, और डायरेक्ट उसको वो गलत कहना इज़ अनदर थिंग। ये वो बिलो द बेल्ट जाके बहुत हार्श स्टेटमेंट देते हैं, बाकी देख लेते हैं ना ये स्टार्ट करना। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक किया ये बिल्कुल सही था और थोड़ा और आदमी अंदर जाना चाहिए था? नहीं, मैं समझता हूँ, देखें आखिर मुल्क भी चलाना होता है, हिकमत भी कोई चीज़ होती है, समझदारी भी है। एक तरीका हो सकता है कि आप मनमोहन सिंह बन जाएं, कि आपको अपना गांव याद आता रहे कि मेरा पिंड बड़ा चंगा सी। दूसरा आप होंगे कि लोग कहेंगे चाय वाला आदमी प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया, उसने बना के दिखा दी कि चाय कैसे बनती है और मुल्क कैसे। तो मैं पाकिस्तान में दो दो शरीफ हैं, नवाज शरीफ और राहिल शरीफ, और उनकी शराफत को भी आप नहीं मान रहे? देखें नवाज शरीफ तो बहुत ही शरीफ है। मैं दोनों शरीफों का बता दूं, एक वाकई शरीफ है क्योंकि वो तो फैक्ट्री चलाने वाला, बिरयानी खाने वाला, निहारी खेलने वाला क्रिकेटर था। उसको कौन लेके आया? जनरल ज़ियाउल हक। वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था, इनके अपना कुछ भी नहीं है।
पूरा पाकिस्तान की दौलत लेके ये पंजाब में अपना बना रहे, इनको पता है पाकिस्तान टूटने वाला, इसीलिए तमाम पाकिस्तान की दौलत इन्वेस्ट होती है पंजाब में, रोड, रेलवे लाइन, बड़े बड़े महल, अमन की आशा की तमाशा वाली आंटियां जो आती हैं यहाँ पे, ये सब पंजाब कर। आप खेल, आपके यहाँ कौन सा आ गया कभी आपने आपने बाचा खान की बेटी को बुलाया, यहाँ बाचा खान की डॉटर इन लॉ को बुलाया आपने कभी? यहाँ आप किसको बुलाते हैं? वही लोग जो लूट रहे हैं हिंदुस्तान को, जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, वो अच्छे से कपड़े पहन के आके थोड़ी सी उर्दू बोलते हैं। आप लोग कहते हैं कमाल है, ये तो उर्दू बोल रहे, तो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल होगा। आप कह रहे थे कि इन दो में से एक शरीफ है तो और दूसरा बदमाश है। कौन बदमाश है? अभी आप लोगों ने रखते हैं, मतलब एक आदमी जिसका जो कमांडर इन चीफ आर्मी का है, वो प्राइम मिनिस्टर को कह रहा इधर आ जा बे, वो आ जाता है तो कहता है सर की करना है, बोला खड़े होकर तीन दफा उठक बैठक लगाओ, कहते उठक बैठक लगाना सर, नौकरी से नहीं निकालना सर, बड़ी मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर बनाओ सर प्लीज। आप एक मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर है, वो खटखटाते और जनरल बदमाश का सेक्रेटरी उससे कहता टाइम नहीं है भाई, ने कहा यार दो चार रुपये ले ले, ना ना ना, चपरासी ऑफ द कमांडर इन चीफ डिफेंस मिनिस्टर को निकालता है, वो बाहर निकल के क्या कहता है, बम मार देंगे इंडिया पे न्यूक्लियर। उसको क्या पता न्यूक्लियर बम होता क्या? नहीं, और मैं आपको बता दूं, आपको बताऊं, वो फवादा आसिफ साहब ने जो कहा, देखिए तीन दिन पर उन्होंने कहा कि हमारे पास में टेक्टिकल वेपन्स हैं, हमने ये शोपीस के नहीं रखे, हाँ, और जैसा मौका आएगा हम अगर जंग स्टार्ट की तो हिंदुस्तान को पर न्यूक्लियर बम फेंक देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। सर ये इतना जाहिल आदमी है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का एक तो लोग मतलब नहीं समझ रहे। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मीन्स कि वो न्यूक्लियर वेपन जो 20 किलोमीटर दूर मारा जा सके। ना आई एम नॉट जोकिंग, this that is why tactical nuclear weapons, no country on earth has tactical nuclear weapons except these rascals. तो ये थी यार वीडियो तारिक फतेह की, वीडियो जो हमने पीएनएम पे की थी, उसमें मुझे लगता है इतनी हार्श स्टेटमेंट नहीं दी थी, इसमें तो भाई बिलो द बेल्ट आके ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं के पाकिस्तान के ऊपर लाइक पूरा गुस्सा नहीं होता जो निकाल रहे हो। अच्छा, कि ये है, ये तो बेवकूफ है, ये तो जाहिल है, ये तो ये है, ये तो वो है। हमने जो इनका इंटरव्यू किया था उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब उसमें सही बात कर रहे थे, इस्लाम के बारे में जो बात कर रहे थे उसमें सही बात कर रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात हो या पाकिस्तान के जो बारे में कोई बात हो तो उस टाइम पे इनके लिए पाकिस्तान इज मतलब के नेक्स्ट टू के लाइक इससे बुरी चीज को है ही नहीं, और हर चीज पाकिस्तान के साथ जोड़नी होती है, जो दुनिया जान की जिन जो भी इनके पास बुरी चीजें हैं ना, इन्होंने पाकिस्तान को वो खैनी होती है। और मुझे तो लगता है कि जैसे कि पाकिस्तान ने इनको निकाला है और सारा किया कि वो अब नहीं आ सकते पाकिस्तान में, और इनकी स्पीचेस भी नहीं चलती हैं, तो मुझे तो लगता है उसी का ये हेट तो निकाला, उसी का ही है, उसी का ही डर है, हेट इतना कि अब ये अभी भी नहीं इनको अलाउ, नहीं नहीं अभी भी नहीं, इनकी स्पीचेस भी बैन है पाकिस्तान में, मतलब सब कुछ इनका जो है ना सीन खराब है पाकिस्तान में, जो इसी वजह से वो इतना हेट और इतना पाकिस्तान के खिलाफ निकलता है, अगर ना होता तो शायद इतना ना बोलते। रहे हुए हैं पाकिस्तान में, बेशक इंडिया के हैं लेकिन खुद रहे हुए हैं, नहीं पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, सारा सीन हुआ है पाकिस्तान में, फिर उसके बाद एक कंट्री ने जब निकाल दिया तो जाहिर आप उसके खिलाफ ये थोड़ी कहोगे कि बहुत अच्छी कंट्री थी पाकिस्तान में, तो ये होता है पाकिस्तान में वो होता है, मुझे पता नहीं क्यों निकाल दिया। अब एक बंदा ऐसे थोड़ी कहेगा, वो तो यही कहेगा ना जी पाकिस्तान में तो ये है, पाकिस्तान में वो है, ये है वो है, और फिर वो सारा ये करेगा जी मैं ठीक था पाकिस्तान गलत कर रहा सारा कुछ, वो आप अपनी वो स्टांस तो रखेगा ना। एक बाकी कुछ बातें जो पीएनएम पे की थी उसमें यार कुछ बातें इनकी अच्छी थी जो उन्होंने कुछ बातें की हुई थी, लेकिन इस पूरे एपिसोड में पाकिस्तान के और जो है उन्होंने सारा गलत कहा है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स हम जरूर करेंगे, बाकी मिलते हैं 123।